आप जनता से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि हमारे जो अनिल विज जी हमारे मंत्री हैं वो तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ जी, सबसे हाथ जोड़ के मेरी नमस्कार। और जो मेरे हमने खतरा है जी, मेरे हम चार हैं, मेरी सास है, दो मेरे बच्चे हैं, एक मैं हूँ। और जी मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को न्याय दिलाओ। और हमने खतरा भी है जी इनसे, कभी ये जान से मार दे कहीं, मेरे बच्चे को क्या रहा होगा जी। फिर भी धमकी मिली है? हाँ जी, धमकी देते हैं जी, अभी देते हैं जी, वो गया तो भी इनको मारेंगे। तो देख लो भाई, जुलम कितना हो रहा है, इनका अक भी खा गए हैं और ये जीड़ खातर एक तो चला गया है। इतना दबाव में था, इतना दबाव मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा किस मतलब सुसाइड करा, क्या उन्होंने आपको मन की बात नहीं बताई? नहीं जी, उसने कुछ भी नहीं बताया जी मेरे से। ऐसा क्या कारण रहा है कि मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं मन में भीतर जो बात वो बताई? उसने तो जी कुछ भी नहीं बताया, मेरा तो भाई बता देता तो कई काम होता। किस ऐसी क्या घटना हुई कि मतलब उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा फिर जी? इस बारे में तो जी मैंने नहीं पता भाई, इसने क्यों खाई, क्यों वो कराया, मेरा तो वो कुछ भी नहीं बताई। क्या खाया है? कोई जा रहा सपरा पिया था, सपरा पिया था जी। तो हॉस्पिटल वगैरह में लेके गए थे? अगर पे नहीं जी, हॉस्पिटल में लेके गए थे, तब तक जीवित था? हाँ जी जीवित था जी, वहाँ जाके डेथ हुई है फिर। तो देख लो, पूरा मामला आपने समझ लिया है। और इस वीडियो में जो भी ये दिखाया गया, इतना जुलम इनगला होया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। क्योंकि आज जमाना देख लो किसे आ गया कि भाई भाई का ही दुश्मन हो रहा है, काका ताऊ भी कोई किसी का नहीं है, बीच में रोटी सेकने वाले है ना, अपनी रोटी सेक जाए हैं और पाछा तय खाली हाथ रह जाए हैं जो हकदार हैं उनके। और भी जो गाँव के मौजूदा व्यक्ति उनके विचार लेवांगे, ठीक है? यह वीडियो कट कर दूसरी करो, कट मतलब बैक कर दे। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज फिर से आज हूँ एक ऐसी घटना के साथ कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय हुआ है, जो बहुत ही शरीफ था। और कैसे अन्याय है जो गांव के मौजूदा व्यक्ति है ये बतावेंगे। और जिनके साथ केस चल रहे हैं, दो सुसाइड नोट में जिसने जिसके नाम लिखे हैं इसने, सुसाइड नोट में मिला है जी। ये बंदे हैं जो जिन जिन के नाम सुसाइड नोट में, कौन ले जाए? तो इसमें जो दिनेश है छोटा भाई जमल का, उसका साड़ा और भी हड़ा रहे थे, उसकी सास सुमित थी। छोटा भाई ने साथ दिया तभी है छोटा भाई, नहीं छोटा भाई 2018 में एक्सपायर हो गया था, ये बात 2020 की है। हाँ जी ठीक है। तो वहाँ भाई ने ना मारपीट करी है और जमल का कान पाट दिया था, ऑपरेशन हुआ था, एमआरआर है वो भी पड़ी है। उस टाइम का केस भी चल रहा है इनका, छह लोगों के ऊपर, ठीक, जिसकी स्टेटमेंट मेरे पास में है भी, फोन में भी है, आप देख भी सको। छह लोगों को, हाँ यो मामला था जी इनका। और इन्हें तंग कराया करते, यो आया करता बताया करता भाई, तंग कर रहे हैं। तंग क्यों कर रहे जी? तंग करने का कारण तो यो एक के था जी, एक तो जो मेरी चाची की पहले सुना हुआ इसके धोरे। अच्छा, यो क्यों बरत रहे हैं? अच्छा जी, मतलब अपनी माँ का बाप का हक भी ना ले छोरा, उसने भी छीनना चाहे है। उस तब 19,46,000 रुपये इन्होंने निकलवा लिए। वो किस चीज के थे जी? 19,46,000 रुपए इनके थे जी, टोटल 26,00,000 से ऊपर रुपए थे, 26-27,00,000 रुपए थे। अच्छा, जो मेरे पिताजी वो जो अपने मेरे चाचाजी है ना, हाँ एक्सपायर हुए थे, ओन ड्यूटी थे, जो उनके रुपए आए थे ना रेलवे से। अच्छा, वो थे इनके रुपए। ठीक, हाँ उनकी जो पासबुक थी वो मेरे ताऊ का पास थी, ताऊ बोला मैं अपना फैसला कर दूंगा भाई, था उन्हें रुपये चाहिए मैं दे दूंगा, कटवा गए था हम बालक सो खोखंडा करोगे। लेकिन उस चीज का मेरे ताऊ ने नाजायज फायदा उठा लिया। मेरी चाची है बोली बाड़िया, इसने लेके जाना इसका लड़का अशोक, जो कि मौके पर पकड़िया है, हम बिना देखे नाम नहीं ले रहे, मौका पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे गांव में है, उसमें मौका पे पकड़े हैं। उस टाइम पे सरपंच भी साथ में थे, जो पुराने सरपंच हमारे कुलदीप जी वो भी थे, और जो जैमल की घरवाली थी या भी थी, जैमल भी था, इन्होंने मौका वारदात में पकड़े हैं। उस टाइम पे बाउचर भी भर रखा था उन्होंने 50, उसने तो नौकरी दवा दो छोटे ने। अरे जैमल है जो यो कम पढ़िया लिखा है, अरे भाई यो रुपया ले लेगा, इसका भी गुजारा हो जाएगा। और जो हाँ, और जो पेंशन है उससे इसका गुजारा चले जाएगा, उसका दोनों नौकरी आ जाएगी 40-50,000 रुपए की। उस टाइम पर 18,000 रुपए तनख्वाह आ कर दे मेरी चाची की, भाई इसका गुजारा इस तरह हो जाएगा। कोशिश करी थी भाई ने, लेकिन मार पिटाई करके वो अपना काबू कर लिया उन्हें। अच्छा जी, हाँ अगर भाई तने की है तने नौकरी दे दी देती है, और तने इसमें ता दे रुपए भी दुआ दे, ये भी तो बता दे उसकी बहू, उसकी बहू माजाई बाण है, उस चीज का वो फायदा उठा रहे थे।
रुपये जावे चाची लेके जावे रुपये कटवावे क्या जो जामल के हक के पैसे थे जो इससे के क्या भाई भी उनमें हिस्सेदार था निकलवाने में या वो भाई हिस्सेदार नहीं था वो सिर्फ वो ताऊ के लड़के ही निकलवा रहे थे जो ताऊ है जी वो भी निकलवा रहे थे और भाई थे उस टाइम पे यहाँ भी पैसे आए हैं जो सच्चाई बात है वो यह है जी ठीक है जो दिनेश की वाइफ है कविता वो भी हिस्सेदार थी इस चीज में सब ने बेरा था जी सारे फैसले भी हुए यार लेकिन जो जमल का आंख था जमल ने नहीं मिला जी बिल्कुल भी हाँ जी 8 लाख रुपए बचे थे 8 लाख रुपए भी वो जब मिल गए भाई जिस टाइम पे ये ऑन द स्पॉट पकड़े गए तो ट्रांसफर होने के बाद इस बात का उन्हें पता लग गया था उनके लड़के ने हाँ भाई उसको खत्म रुपए ट्रांसफर हो गए उन्होंने वो वापिस केस कर दिया मैनेजर के ऊपर 420 का केस कर दिया जयमल के ऊपर कर सकते हैं जी पैसा तो इनका है पैसा इनका है जी लेकिन सपोर्ट मिल रही है जो छोटे लड़के की जो मतलब जयमल की छोटे भाई की वो है वहाँ से सपोर्ट मिल रही है अच्छा जी मोरा उसको बना रहे हैं काम वो कर रहे हैं तो पैसा तो जयमल का ही था फिर पैसा जयमल का था लेकिन वो हड़पना चाह रहे थे उस 8 लाख ने भी पैसा नहीं हड़पना चाह रहे थे जी जब उनकी इतनी तनख्वाह रही है तो फिर मतलब इतना क्या भाई बेईमान हो गया कि दूसरा की फिर बेईमान ना का रोड़ा है जी सारा यो माँ को लेके जा रही है तो ये भी क्या पैसा मिल रहा है खान लग रहे हैं जो इनकी डेथ हुई है जयमल की जी उसके बाद आए जी छोटा भाई की वाइफ है भाई तो पहले गुजर कोई नहीं आया जी दाग पे भी नहीं आया जी यहाँ पर दाग पे भी नहीं आया जी तो आपने फिर पुलिस कंप्लेंट कभी नाराजगी है ऐसी चीज तो उसके कोई नशा तो नहीं बिल्कुल भी नहीं बालाजी का भगत था अपने कीर्तन कराया करता मंगलवार और शनिवार को अपने ढोलकी बजाया कुल मिला के बाद ही गुजारा करा था बोला उसको पैसे से जो मिल गया पहन लिया अपने चल दिया उन्हें कोई मतलब नींद चीजा दे लेकिन वो प्रेशराइज बनाया गया कि बाहर निकलते मतलब ये डर की पीट ना दे तो इन चीजा तो डिप्रेशन में आके थोड़ा सा क्या पता उसने ये काम किया तो पब्लिक से आप क्या मांग करना चाहते हो देखो जी हमारी तो यही मांग है जी निष्पक्ष फैसला हो दोषी है जो जिनके वो नाम लिख के गया है उनकी गिरफ्तारी हो और मतलब कार्रवाई की जाए जो जांच हो वह जांच बिठाई जाए प्रशासन तो ऊपर हम है नहीं जी जो प्रशासन फैसला करेगा वो हमने मानना होगा लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जी निष्पक्ष फैसला इन बच्चों को थोड़ा सा तो देख लीजिए ये छोटे छोटे बच्चे नहीं देखो कितनी उम्र है जिसकी ये बताओ आप 6 साल की उम्र है जिसकी ये तो बड़ा बेटा आज इसके ऊपर ये तो बड़ा बेटा है गोद में ले लो गोद में ले लो जो पीसा है वो तो खा लिया सारा उल्टा केस भी इन पे ही चल रहा है और जो बंदा था इनका सिर पे ताज था वो भी चला गया है इब आपने सारी वीडियो देख ली है इसने आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखना और जितना ज्यादा उसका सब शेयर करियो इसने ताकि जनता तक यह आवाज जावे और जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा है ताकि सरकार तक भी आप बात पहुंचे सारे भाइयों का अपील है भाई इसने शेयर कर दियो वीडियो ने ठीक अनिल विज तक यह वीडियो पहुंचा दियो और अनिल विज तुम्हारी एक के प्रार्थना है कि भाई इन न्याय मिल जाओ और कुछ नहीं चंदा होने जी इन बच्चिया ने जी न्याय मिल जाओ जी ठीक है।